जाने पितृपक्ष का महत्व और 17 या 18 कब है श्राद्ध का सही मुहूर्त। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हिंदू धर्म में पूर्वजों के लिए अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए पितृपक्ष मनाया जाता है। इस दौरान हम अपने पितरों यानी पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष की कामना करते हैं। पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की परंपरा होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष के सही मुहूर्त के बारे में। पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है, लेकिन प्रतिपदा तिथि के कारण श्राद्ध 18 सितंबर से शुरू किया जाएगा। श्राद्ध का ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें 18 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध, 19 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध, 20 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध, 21 को चतुर्थी का श्राद्ध, 22 को पंचमी का श्राद्ध, 23 को षष्ठी का श्राद्ध, 24 को सप्तमी का श्राद्ध, 25 को अष्टमी का श्राद्ध, 26 सितंबर को नवमी का श्राद्ध। इस दिन मातृ नवमी और सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध किया जाएगा। 27 सितंबर को दसवीं का श्राद्ध, 28 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध, 29 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध। इस दिन सन्यासी, यति और वैष्णवों का श्राद्ध किया जाएगा। 30 सितंबर को त्रयोदशी का श्राद्ध, 1 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध। इस दिन शस्त्र और दुर्घटना आदि से मृत्यु होने वाले व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाएगा। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या, इस दिन पितृ विसर्जन होता है। अज्ञात तिथियों वाले पितरों का श्राद्ध और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर आते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपनी श्रद्धा अनुसार अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं। यदि आप बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं तो आप अपने पितरों के लिए कुतप बेला के समय गाय को हरा चारा खिलाकर अपने दोनों हाथ ऊपर करके भगवान सूर्य को नमस्कार कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सूर्यास्त से करीब 48 मिनट पहले का समय कुतप बेला मानी जाती है। इस घड़ी में ऐसा करना बड़े श्राद्ध के बराबर होता है। जो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करेंगे वे इसे सुबह या दोपहर में कर सकते हैं। ये समय इसके लिए सबसे उचित माना जाता है। इसके अलावा तिथियों के सही आकलन और समय की जानकारी आप संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ से भी ले सकते हैं। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान या श्राद्ध आदि करने से आप पर और आपके परिवार पर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। इससे आपके घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे द्वारा बताई गई सभी बातें मीडिया खबरों के मुताबिक थी। इससे संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।